जय हिंद दोस्तों, क्या आप सबको पता है कि मैंने अपने ज्वाइंट सक्सेस यूट्यूब चैनल पे मात्र 3 महीने में 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया। और आज के इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि ये सारी चीजें आप भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताएंगे और कुछ बोनस टिप लास्ट में आपको देंगे, जिसको जानकर आपको अपने चैनल को ग्रो करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे, वहीं पे आपको डीपली अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊंगा। तो चलिए मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं और सारी चीजें आपको बताते हैं। वेल दोस्तों, हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको 3-4 ऐसे सेटिंग बताएंगे जिसके बगैर आपका चैनल बेजान है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से इस वीडियो को देखना है और जो जो सेटिंग मैं बता रहा हूँ उसको अपने चैनल पे अप्लाई करना है। पहले सीखो, फिर जाकर अप्लाई करो अच्छे से। अगर थोड़ा बहुत देख करके जा रहे हो अपने चैनल पे अप्लाई करके फिर आ रहे हो, भाई ऐसे आप स्टेप मिस कर दोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद गाइज क्या करना है, यहाँ पे YT स्टूडियो को ओपन कर लेना है, ठीक है। YT स्टूडियो आने के बाद यहाँ पे लॉगिन करना, अपने चैनल का डैशबोर्ड देखना सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे वेट करते हैं, थोड़ा लोडिंग ले रहा है। प्रोसेसिंग के बाद ये खुल जाएगा मेरा पूरा फाइनली। और यहाँ पे कुछ ऐसे सेटिंग बताऊंगा, जैसे कि अगर आपका चैनल सर्च में नहीं आता और आप सोचते हो कि मेरा वीडियो वायरल हो जाए, तो गाइस ये पॉसिबल नहीं है। जब तक आपका चैनल सर्च में ना आए ना, जब तक आपका वीडियो भी सर्च में नहीं आएगा, और उस पर व्यूज तो छोड़ ही दो, आएगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे में मेरा डैशबोर्ड खुल चुका हुआ है और देखो यहाँ पे नीचे में सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग वाले पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग खुल जाएगा। और गाइस ध्यान से देखना, जो जो सेटिंग बता रहा हूँ ना उसका रीजन भी बताऊंगा कि ये सेटिंग क्यों करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो जनरल में डिफॉल्ट है हमारा जो चैनल मोनेटाइज रहता है, तो उसमें USD में आप लेना चाहते हो रुपए, या फिर INR में, या फिर दूसरे करेंसी में, तो यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हो। तो मेरा USD डॉलर ही ठीक है। उसके बाद नीचे में आपको चैनल का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पे कंट्री, ठीक है, कंट्री का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको आप जिस कंट्री से हो सिलेक्ट करना। मुझे पता है आप सब इंडिया से ही हो, तो क्या करना, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना जैसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और जब आपका चैनल सर्च में नहीं आ रहा है तो नीचे देखो कीवर्ड्स का ऑप्शन दिया है, और मैं यहाँ पे बहुत सारा कीवर्ड डाल चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप भी अपने चैनल का जो नाम है उसी से रिलेटेड यहाँ पे ढेर सारा कीवर्ड डाल देना है, ठीक है। कीवर्ड डालने के बाद गाइज एक चीज़ और इसमें डाल सकते हो, आप जिस कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो बना रहे हो उस कैटेगरी का शॉर्ट जो है, शॉर्ट टाइटल, उसको क्या करना है यहाँ पे डाल देना। जैसे कि मैं पापा की परी का कारनामा डालता हूँ, देखो यहाँ पे पापा की परी का कारनामा यहाँ पे एक टैग मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो इसे क्या होता है, वीडियो भी सर्च में आता है और चैनल भी सर्च में आता है, ठीक है। तो ये हुआ पहला। दूसरे में एडवांस सेटिंग में आएंगे और यहाँ पे आपको क्या करना, नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये जो है ऑटोमेटिक कैप्शन, अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हो ना तो इसको डोंट शो पे क्लिक कर देना, ठीक है। डोंट शो पे रहेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं शो होगा आपका कैप्शन, ठीक है। और इसको छोड़ते आप साइड में आते हैं, यहाँ पे आपका मेन जो है फीचर, यहाँ पे 3 फीचर है, स्टैंडर्ड का और इंटरमीडिएट फीचर है और एडवांस फीचर है। इन तीनों को इनेबल कर लेना है। अगर नहीं जानते हो तो आप हमें कमेंट करना इसको कैसे इनेबल किया जाता है, यानी कि फ़ोन वेरिफिकेशन, ID वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, वही सारी चीज़ें हैं। ये सब करने के बाद आप लाइव स्ट्रीम कर पाओगे, ठीक है, और कम्युनिटी पोस्ट भी कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो इतना हो गया। उसके बाद हम डिफ़ॉल्ट अपलोड पे आएंगे। नीचे में अपलोड डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो टाइटल लिख देना, नीचे डिस्क्लेमर वगैरह जो भी आप चाहते हो। हर वीडियो में मतलब बार बार डिस्क्लेमर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो एक बार यहाँ पे आप क्या किए, लिख दिए, तो ये सारा चीज़ क्या है, जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो उसमें आ जाएगा। उसके नीचे है विजिबिलिटी, इसमें अनलिस्टेड आपको हमेशा रखना है। आप हर वीडियो में आप कौन सा टैग लगाना चाहते हो वो चीज़ यहाँ नीचे में लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद एडवांस सेटिंग में आना है और यहाँ पे लाइसेंस छोड़ देना है। कैटेगरी में आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप किस कैटेगरी से रिलेटेड बना रहे हो, ताकि जब आप वीडियो अपलोड करो तो यूट्यूब आपके वीडियो को उसी कैटेगरी से रिलेटेड ऑडियंस को रिकमेंड करे आपके वीडियो को, ताकि उस पर व्यूज आए। तो यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी का आपका वीडियो है, ऑटो एंड व्हीकल्स, कॉमेडी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, फिल्म एंड एनिमेशन, बहुत सारा कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी का वीडियो बनाते हो वो वाला यहाँ पे चुन लेना, मेरा एंटरटेनमेंट है, ठीक है। उसके बाद नीचे में आपको लैंग्वेज एंड कैप्शन सर्टिफिकेशन का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ कैप्शन सर्टिफिकेशन नन रहने देना। वीडियो लैंग्वेज में यहाँ पे आपको, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में वीडियो बनाते हो या फिर अदर लैंग्वेज में, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लेना। मैं फिलहाल हिंदी रखा हूँ क्योंकि मैं हिंदी में बनाता हूँ, तो हिंदी ठीक है। उसके नीचे में टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन का लैंग्वेज, आप किस भाषा में लिखते हो वो चीज़ है यहाँ पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि जब आप टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखते हो और यहाँ पे सेटिंग रखते हो तो कोई भी बंदा अगर सर्च करता है यूट्यूब पे तो आपका वीडियो ऊपर में शो होगा, ठीक है। तो देखिए नीचे में टाइटल डिस्क्रिप्शन जो है हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट करना, मेरा हिंदी लेटिना है तो ऊपर में कर दूंगा हिंदी, ठीक है। और यहाँ पे अलाउ ऑल कमेंट्स के नीचे में होल्ड वाला पे क्लिक कर देना सो माई व्यूवर्स लाइक। अगर आप अपने वीडियो का लाइक अगर हाइड करना चाहते हो, देखो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, साइकोलॉजी का फैक्ट है, यहाँ पे समझो कि अगर आप न्यू क्रिएटर हो और आपका वीडियो अपलोड करने के बाद उस पर 15-20 या फिर 100-200 लाइक आता है तो आप यहाँ ना सो हाउ मैनी व्यूवर्स लाइक दिस वीडियो, इसको क्या करना ऑफ कर देना, उसके बाद सेव कर देना। मेरा तो ज़्यादा है 1K+ आता है, 2-2 मिलियन लाइक आते हैं, तो मैं यहाँ पे ऑन रखूँगा। इससे क्या होता है, ज़्यादा व्यूज रहता है, ज़्यादा लाइक रहता है तो बंदे वीडियो को एंड तक देखते हैं, और अगर कम रहता है तो क्या करते हैं स्क्रॉल कर देते हैं। तो मेरा तो खैर आ ही जाता है तो मैं यहाँ पे कर दिया, ठीक है। मोनेटाइजेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये जो अगर आपका चैनल मोनेटाइज है यहाँ पे एड कौन कौन सा लगा सकते हो वो चीज़ है, ठीक है। इतना वेल दोस्तों, यही सारी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग थी जिसको मैंने किया और मेरा चैनल आज इतना ग्रो कर गया, और आप भी करोगे तो आपका भी ग्रो करेगा 100%, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा अपने चैनल पे। तो आज का वीडियो बस इतना ही था, कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।